कॉमेडियन भारती सिंह के साथ जो हो रहा है वो तो वही जानती होंगी कि आखिर क्यों उनका रग केस में नाम आया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लोग खुद कह रहे हैं कि भारती और हर्ष को फंसाया जा रहा है। चलिए हम भी मान लेते हैं, लेकिन आप भी सोचिए कि उनके घर तक रग पहुंची कैसे। अब तक भारती और हर्ष ने इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि टाइम नहीं मिला होगा, एनसीबी की टीम अचानक पहुंच गई होगी। तो आपको बता दें, भारती और हर्ष को पहले ही शंका होने लगी थी, उन्हें फोन भी आने लगे थे, एनसीबी ने तो उन्हें सम्मन भी भेजा था। उस वक्त तो उनके पास विचार करने के लिए काफी टाइम था। जैसे रिया को जब सम्मन भेजा गया था तो वो बिल्कुल बौखला गई थी। उनका परिवार तक कह रहा था कि उनका सुशांत के जाने से कोई लेना देना नहीं है। रिया ने कबूल भी किया था कि वो और उनका परिवार रग जरूर लेता है, लेकिन सुशांत से इसमें कोई लेना देना नहीं था। रिया ने एनसीबी के सामने खूब ड्रामा किया था। कई बार रिया के इस ड्रामे पर एनसीबी ने उन्हें ऑफिस में फटकारा भी था, लेकिन हर्ष भारती बिल्कुल शांत है। आप ही सोचिए, अगर आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा हो तो आपके चेहरे पर डर तो साफ साफ दिखेगा, लेकिन भारती हर्ष का चेहरा देखकर लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जी हाँ, भारती को एनसीबी ने रात भर अपने ऑफिस में रखा। एनसीबी को भारती के खिलाफ और क्या क्या सबूत मिले वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारती का चेहरा तो देखिए। जब रात भर ऑफिस में बिताने के बाद सुबह भारती को देखा गया, जी हाँ, रात भर भारती से एनसीबी ने सख्ती से पूछताछ की। पता तो ये भी चला है कि भारती जानते हुए भी एनसीबी से बहुत कुछ छुपा रही है, क्योंकि एनसीबी को वो सोर्स मिल गया है जिससे भारती रग मंगवाती थी। खुद पेडलर ने भारती का नाम लेकर बताया है कि वो उनसे रग मंगवाती थी। भारती रग खुद के सेवन के लिए मंगवाती थी या फिर वो भी किसी को बेचती थी, ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अभी तो पहला दिन था और इस पहले दिन में ही एनसीबी ने भारती के पसीने छुड़वा दिए, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, भारती की वजह से हर्ष भी फंस चुके हैं, उन्हें भी आज पूछताछ के लिए बुलाया है। भारती कोर्ट में पेश होने वाली है और यहाँ पता नहीं क्या क्या भारती के साथ होने वाला है। कुल मिलाकर लोगों को इस वक्त यही डर सता रहा है कि भारती ने जितनी मेहनत करके खुद इस मुकाम तक पहुंचाया, अगर एनसीबी का शक सच हो गया तो भारती का बना बनाया करियर खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत केस में फंसे हर्ष और भारती की सांसें उस वक्त रुक गईं जब उनके घर में एनसीबी को अहम सबूत मिले। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े रग एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों के घर पर छापेमारी कर रही है। दीपिका, सारा और श्रद्धा से लेकर अब तक ना जाने कितने स्टार्स पर एनसीबी गाज गिरा चुकी है। हालांकि एनसीबी के पास बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ कई सबूत भी मिले, लेकिन वो सबूत नहीं मिले जिनसे उन स्टार्स की गिरफ्तारी हो सके। मगर अब जो एनसीबी को मिला उससे बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की गिरफ्तारी तय बताई जा रही है। जी हाँ, बड़े बड़े स्टार्स की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद एनसीबी के हाथ मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष के खिलाफ अहम सबूत मिले, जिसके बाद भारती और हर्ष मुसीबत में फंस गए। एक तरह से रग केस में भारती हर्ष का नाम शामिल होने पर इनका करियर खत्म बताया जा रहा है। जी हाँ, जो भारती जनता को अपनी कॉमेडी से हंसी से लोटपोट करवाती थी, अब उनकी जिंदगी में आंसू बहने वाले हैं। जब एनसीबी को भारती और हर्ष के घर में रग मिलने की खबर मिली तो उन्होंने भारती सिंह के घर में छापा मारा, और फिर क्या, एनसीबी को भारती के घर में कुछ मात्रा में रग भी मिला, जिसके बाद भारती और हर्ष की सांसें ही रुक गईं और करियर खत्म होने का डर सताने लगा है। जिस तरह से सुशांत के जाने के बाद एनसीबी ने पूरा बॉलीवुड हिला दिया और स्टार सुशांत के नाम से डरने लगे, क्योंकि अभी तक सुशांत की जांच खत्म नहीं हुई है और अभी तो सुशांत को न्याय भी मिलना बाकी है। तो ऐसे में सुशांत को लेकर कोई भी फंस सकता है, जैसे इन दिनों हर्ष और भारती का हाल है।
अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि रग कितनी मात्रा में मिली है, लेकिन एनसीबी की टीम ने टीवी एक्ट्रेस भारती सिंह और उनके पति को समन भेज दिया है और जल्द ही पूछताछ के लिए भारती के चक्कर लगने शुरू होने वाले हैं। लोग गिरफ्तारी की भी बातें कर रहे हैं। फिलहाल तो हम तो जांच पर ही यकीन कर सकते हैं, उसके बाद ही कह सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। एनसीबी की टीम ने शनिवार को भारती सिंह के अंधेरी इलाके में मौजूद घर पर छापा मारा था और वहां से रग बरामद की थी। जिस समय एनसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया, उस वक्त भारती और उनके पति घर में ही मौजूद थे। अब देखना होगा कि भारती और उनके पति एनसीबी के दफ्तर कब पहुंचेंगे। टीवी की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह शादी के बाद से काफी सुर्खियों में हैं। भारती का खुद मानना है कि उन्होंने कुछ अच्छे ही कर्म किए हैं जो उन्हें हर्ष जैसा पति मिला है। हर्ष और भारती में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ ही बेइज्जती करने में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। जो यहाँ भारती और हर्ष कभी कभी इस कदर कॉमेडी करने पर उतर आते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो सच में कह रहे हैं या फिर शो के लिए कह रहे हैं। दरअसल इन दिनों भारती का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारती हर्ष और अपने ससुराल की कंजूसी के पत्ते खोल देती है। हालांकि यह शो का ही हिस्सा है, लेकिन भारती और हर्ष की बातें सुनकर कुछ देर के लिए लोग सोच में पड़ गए। पहले तो दोनों अपनी शादी की रात का सीन याद कर रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन जब भारती कहती है कि हमने तो कोई एंजॉयमेंट नहीं किया क्योंकि पहले ही रात हमें ससुराल में चिल्लर गिरने में लगा दिया गया था, भारती ने कहा ये गुजराती लोग बहुत कंजूस होते हैं, मेरे तो कंधे दर्द होने लगे थे इनके गिफ्ट के चिल्लर गिनते गिनते। भारती की बात सुनकर हर्ष को गुस्सा आ जाता है। अब जब बात माता पिता की आती है तो किसी भी लड़के का गुस्सा होना भी जायज है। हर्ष गुस्से में कहते हैं कि भारती अब बहुत हो गया, मेरे माता पिता के लिए और कुछ मत बोलना वरना बहुत बुरा होगा। हर्ष का गुस्सा देखकर भारती भी चुप हो जाती हैं, दूसरे बात पर चल देती हैं। लेकिन ये सब उनकी कॉमेडी का हिस्सा बताया जाता है। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते दिखाई देते हैं। मशहूर कॉमेडियन और लाफ्टर क्वीन कही जाने वाली भारती सिंह की आंखें एक बार फिर भर आईं जब उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचकर गरीबी के दिन याद किए। वो दिन जब वो दो वक्त की रोटी तक नहीं खा पाती थी, लोग उन पर और उनकी माँ पर गलत कमेंट्स करते थे। इतना नहीं, ये तक धमकी देते थे कि वो अगर कभी मुंबई गई तो कभी शादी नहीं कर पाएंगी। इसके बाद भी भारती की मां ने हार नहीं मानी और एक बार अपनी बेटी के मुंबई जाने की ख्वाहिश पूरी की। भारती ने बताया कि पंजाब से मुंबई का सफर मेरी जिंदगी का बहुत दुखदायी सफर रहा जिसे जिंदगी में नहीं भूला जा सकता। भारती ने बताया जब उनका लाफ्टर चैलेंज में चयन हुआ तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। लोगों की तरह तरह की बातों के बाद भी भारती की मां ने कहा कि मैं अपनी बेटी को एक बार जरूर मुंबई लेकर जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके मन में कहीं ये रह जाए कि एक मौका मिला था लेकिन मेरी माँ उसे पूरा नहीं कर पाई। भारती कहती है कि 6 महीने तक मैंने मुंबई में रहकर लाफ्टर चैलेंज लिए और बहुत मेहनत की। कब भारती सिंह दुनिया के लिए बड़ा नाम बन गई पता ही नहीं चला।